सो गाइस आप देख सकते हैं इसमें दो फॉल्ट कोड आ रहे हैं, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो पहले हम जस्ट देखेंगे, क्योंकि अगर एक फॉल्ट आता तो अपन ये क्लियर कर लेते कि एक सेंसर ख़राब है, बट दो सेंसर इकट्ठे ख़राब नहीं हो सकते। तो हम जस्ट पहले इसके देखेंगे सेंसर और इसमें वायरिंग में वोल्टेज वगैरह चेक करके और वायरिंग का वोल्टेज देखेंगे, वोल्टेज बराबर आ रहा है कि नहीं, और उसके बाद फिर चेक करते हैं बैरिंग का भी इशू हो सकता है गाइस। अगर जैसे नॉन एबीएस बैरिंग आपने डाल दी इसमें तो भी ये फॉल्ट, मतलब वायरिंग का एबीएस का फॉल्ट आएगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। तो गाइस देख सकते हैं आप, फाइनली हमने वोल्टेज चेक कर लिया है इसका, एबीएस का अभी मैंने दिखाया था। तो अभी हमने इसका बैरिंग देखी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरिंग, ये आप देख सकते हैं ये प्लेन, ये टीथ इसमें नहीं नज़र नहीं आ रहे, मतलब ये सादा बैरिंग डली हुई है इसमें। तो अभी हम इसको निकाल के इसमें नई ईवीएस की बैरिंग डालते हैं, और लेफ्ट साइड भी यही बैरिंग डली हुई है गाइस, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड भी ऐसी बैरिंग डली हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन यहाँ पर हल्के हल्के स्पॉट टीथ सेंसर के स्पॉट टाइप के रहते हैं गाइस, तो उससे ईवीएस काम करता है। तो अभी हम इसको दोनों बैरिंगों को निकाल के बैरिंग बदलते हैं और फॉल्ट आपको बताते हैं आगे का क्लियर करके। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें।